हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही परवल या दोई पोटल। ये दोई पोटल हमारे बंगाली लोगों के बहुत ही फेवरेट डिश होता है। इस डिश में परवल को दही में बनाया जाता है। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए बड़े साइज़ का परवल को आपको दोनों ही साइड से ऐसे कट कर लेना है। और आपको इसके लिए चाहिए दही, और यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने पेस्ट कर लिया है, और यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, उसे भी मैंने पेस्ट कर लिया है, और यहाँ पे है तीन हरी मिर्ची, 12 से 10 कलियाँ लहसुन के, और एक टुकड़ा अदरक का, और इसको मैं तीनों को मिला करके पेस्ट कर लिया है। और साबुत मसाले में लिया है तीज पत्ता 1, 3 इलायची, 5 लौंग, 1 चम्मच जीरा, और 2-3 दालचीनी। और आपको चाहिए 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और घी। और हल्दी नमक तो चाहिए। तो मैं एक परवल आपको काट के दिखाती हूँ। इसको इस साइड से ऐसे छोटा सा कट कर लेना है, और आपको दूसरे साइड से भी ऐसे कट कर लेना है। अब परवल में मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, नमक दे के आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपको एक कढ़ाई ले लेना है और गैस को ऑन कर लेना है। कढ़ाई में अभी रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच के करीब डाल लिया है। अब इसमें मैं परवल को ऐड कर दूंगी। अब ढक्कन हटा के आपको देखने चेक करना है। ये परवल अच्छे से हो गया है। अब एक एक करके आपको उठा लेना है। जितना भी तेल था उसमें मैं और 1 चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। इसमें मैं 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं तेज पत्ता ऐड कर रही हूँ। तीन छोटे इलायची, लौंग, दालचीनी और जीरा। अब इसमें मैं प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ। गैस को लो फ्लेम में रखें।
प्याज को लो फ्लेम में थोड़ा सा भून ले दे। प्याज अच्छे से भून चुका है और इसमें मैं अभी ये जो है हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। अभी गैस को मीडियम फ्लेम पे कर लीजिए। जब तक ये अच्छे से भून ना जाए इसको होने दे। अब ये अच्छे से भून चुका है, अब इसमें मैं टोमेटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। एक मीडियम साइज का टमाटर है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करेंगे और स्वादानुसार नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए सारे मसाले को एक साथ। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसमें मैं दही ऐड करूँगी। दही को आप अच्छी तरह से फेंट ले ताकि कोई भी लम्स ना रहे। इसके साथ 2 मिनट अच्छी तरह भून लेने के बाद इसमें मैं 1 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आप आपके हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब 2 से 3 मिनट तक इसको उबाल आने तक अब ढक के रखिए। तो उबाल आ चुका है, अब इसमें मैं परवल को ऐड कर दूँगी। अब धीमी आंच में आप परवल को पकने दीजिए, इसको ढक्कन लगा दीजिए। अब ढक्कन हटा के आप इसे चेक कर लीजिए कि परवल अच्छे से हो गया है या नहीं। अब इसमें हम अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी पूरा गाढ़ा बन चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड करूँगी। और लास्ट में 1 चम्मच घी। अब अच्छे से मिला लीजिए और गैस को ऑफ कर लीजिएगा। तो रेडी है मेरा दही परवल यानी कि दोई पोटल। तो आप देख सकते हैं मेरे रेडी हो चुका है दही परवल और इसे आप प्लेन राइस के साथ या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।